हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशाज गुड लाइफ। और आज हमारा राजस्थान ट्रिप का है तीसरा दिन। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं जैसलमेर से बीकानेर के लिए। तो काफी लंबा रास्ता है, उसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। और लंबा रास्ता है और खाली रोड है, तो बहुत प्यारे प्यारे व्यूज मिलेंगे देखने को। और हमने देखा कि रोड के साइड में ही इंदिरा गांधी नहर भी थी, तो हमने सोचा थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं यहाँ का भी। और इसी नहर का गाइज पूरे राजस्थान वेस्ट में पानी सप्लाई होता है इसी का, इसीलिए यहाँ पे पानी की कमी नहीं आती है। और ये वही नहर है जिसका पानी पाकिस्तान में भी जाता था, अभी वो बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो एकदम क्लीन पानी है इसका। घूमी घूमी आई है, बुआ ने अच्छे से ही नहीं पकड़ा। अच्छा, और इधर रोड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरे रास्ते जैसलमेर से बीकानेर तक एकदम खाली है, ओनली टीले आएंगे कुछ मिट्टी के। और इसलिए हमने यहाँ पे एंजॉय किया रोड पे। थोड़ा लंबा चलने के बाद हमें बीच में कुछ खेत दिखाई दिए, तो बड़ा सुकून मिला कि कुछ ग्रीनरी तो है इधर। बाकी हम तो बारिश के टाइम पे गए थे इसलिए थोड़ा ग्रीन था, बाकी अभी भी आप इधर आते हो तो एकदम सूखा ही मिलेगा। और यहाँ चल रही है मिस फेबी की मस्ती। और हम बीकानेर भी पहुँचने वाले हैं, अभी हम एंट्री ले चुके हैं बीकानेर सिटी में। ये सर्कल है कुछ तो, और हम जाएंगे अब जूनागढ़। बीकानेर में आके अगर आपने शॉपिंग नहीं की, जूनागढ़ फोर्ट नहीं देखा, यहाँ के रसगुल्ले नहीं खाए और बीकानेरी बीकाजी की जो नमकीन है वो नहीं खाई, तो कुछ नहीं किया। और अभी हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट, इसी के सामने जस्ट ये झील थी। और बड़ा ही खूबसूरत नजारा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम एंट्री ले रहे हैं फोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे फेबी कैरियर में बैठी बैठी बहुत परेशान हो चुकी है। और ये जो आप ये देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ये भी जो बना हुआ है जिग जैग टाइप में, यहाँ से हाथी ऊपर जाते थे राजमहल के अंदर। और अभी हम पहुंच चुके हैं राजमहल के अंदर, और यहाँ से आप पूरा नजारा देख सकते हो। मतलब इनको देखते हैं ना, जब पुरानी जो भी हवेलियां हैं, फोर्ट है, तो पूरा नजारा, पूरी हिस्ट्री जो भी थी वो पूरे सामने आ जाती है, कैसे वो यहाँ पे रहते थे। और ये जो सामने देख रहे हो ये पूरा चौक है, इसमें यहाँ पे बताते हैं कि राजा यहाँ पे होली खेला करते थे इसमें, इस चौक में। और ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हो जिसमें झरोके बने हुए, यहाँ से रानियां देखा करती थी। और अभी हम पहुंच गए हैं गैलरी, जो आप देख रहे हो ये गोल्डन से बनी हुई है, गोल्डन का कुछ लगा हुआ है। और ये पता नहीं, आप देख सकते हो, मैं आपको जस्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो गाइज अभी जस्ट आप ऊपर देखोगे तो आपको ये जो दिख रहे हैं ये है एसी, उस जमाने में ऐसे एसी का काम करते थे यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ये जो सिंहासन, यहाँ पे लैला मजनू की शूटिंग हुई है, तो आप मूवी में देख सकते हो यहाँ की एक शूट यहाँ से लिया गया है। तो अभी आप देख सकते हो कितनी बारीकी से इस पे पेंटिंग की गई है। और ये जो आप गेट देख रहे हो इस पे वॉलनट का जो छिलका होता है अखरोट का, उससे पूरा ये गेट बना हुआ है। और इस पे आप देख सकते हो कितने बारीक बारीक फ्लावर्स बने हुए हैं, पता नहीं कैसे बनाया होगा इसको। तो हम जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम एंट्री ले रहे हैं बादल महल के अंदर। और इसको बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पेंटिंग की गई है वो पूरी बादल जैसी है, आप देख रहे हो एकदम पूरा बादल बादल जैसा बना हुआ है इस पे। और गाइज आप ये जो देख रहे हो
ऐसा कुछ ये बना हुआ है। ये उस टाइम का एसी वो कूलर हुआ करता था, ये अभी फिलहाल के लिए ये बंद है। और आप देख सकते हो इस पे कुछ यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी है, अभी ये बंद है। बादल महल से निकलते ही आपको मिलेगा ये नृत्य कक्ष, जिसपे ये कुछ फोटोज भी लगे हुए हैं। तो कुछ भी फंक्शन फेस्टिवल होता था तब वो जो डांस करने वाले होते थे वो इन पे डांस किया करते थे, ये जो कुछ सुई वगैरह है इन पे आप देख सकते हो फोटोज में ऐसे कैसे दिखाया गया है। राजमहल में आप जब ऊपर जाते हो तो ऊपर की ओर आपको दिखेगा ये पीछे का नजारा जो महल के पीछे का है, और यहाँ पे हाथी घोड़े यहाँ पे बांधा करते थे उस टाइम पे। और यहाँ एक मंदिर भी है पीछे गार्डन में। और जैसे ही हम जनाना महल में जाते हैं तो तुलसी का पौधा दिखाई देगा जहाँ रानियां पूजा किया करती थी इसकी। ये है जनाना महल जिसमें रानियां रहा करती थी। और यह है झूला यानी कि पालना, जन्माष्टमी के उत्सव पर कान्हा जी को इस पे बिठा के झुलाया जाता था। और गाइज ये है राजा का बेड। आप सोच रहे होंगे इतना छोटा क्यों है, तो ऊंचाई में इसलिए था ताकि नीचे कोई नहीं जा सके, और लंबाई में इसलिए ताकि वो सीधा सोए और उनके पैर कोई दुश्मन बांध दे तो वो सीधा खड़ा हो जाए, इसीलिए छोटा हुआ करते थे। और ये है राजाओं की लिफ्ट जो वो यूज करते थे इसको, और अभी ये बंद है शायद। और हम थोड़ा आगे चलकर हम म्यूजियम पर थोड़ा नजर डालते हैं तो हमें दिख जाएगी राजाओं की उस टाइम की फोटोज, बहुत पुराने फोटोज हैं ये। देखिए इसमें पूरा परिवार है राजा का, और ये राजा रानी उनके बच्चे। त्रिपोलिया गेट के पास जो ये महल बना है ये 1937 में बनाया गया था, तब इंग्लिश इंडिया हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल के आगमन में इसको बनाया गया था, और इसको डिजाइन भी पूरा इटली के जैसा किया गया है। तो गाइज अब पूरा महल देखने के बाद हम जाएंगे देशनोक करणी माता के। तो गाइज इसी तरह मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।